बाबा साहब की वजह से ही मिला है, नहीं तो महिलाओं को कहीं भी आने जाने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, पढ़ाई का भी अधिकार नहीं था। आज हम बड़े बड़े पदों पर SBDSP जो भी बड़े बड़े पद हैं, हमारी बहन भी वहाँ पे बड़े बड़े पदों पर मंत्रासीन है, और हमारे यहाँ पे राहुल भाई भीम आर्मी से अलकाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और एक भाई और भीम आर्मी के आए हैं, तो उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। जय भीम। जो हमारे समाज में जो बेटी है, जो बहन है, जो पढ़ाई में भी अव्वल आई है, और खेल में भी, जो नेशनल में, स्टेट में जो भी है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा, और जो दिल्ली गए थे भाई, जो गुरु रविदास घर तोड़ा गया था, उनको भी सम्मानित करा जाएगा, और जो भी बहन बेटी, जो भी नारी शक्ति, कोई भी अच्छा उसमें वो कर गेम में या और कहीं भी अच्छा वो करेगी, माता पिता की सेवा करेगी, सास ससुर की करेगी, तो उसको भी आने वाले आगे टाइम में गुरु रविदास जयंती है, वाल्मीकि जयंती है, उस पे सभी को सम्मानित किया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि। मैं कहूँगा और भाई कोई भी जो अपने विचार रखना चाहता है, लाला भाई और भी जो भी है, मुन्ना जो भी, अपने जो भी भाई हैं जो अपने विचार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हमें यहाँ छोटे से ही सतर से ही हमें आवाज़ जो बात करने का है वो मिलेगा, और मैं अपना टेम और भाई हैं उनको देना चाहता हूँ, जो जैसे भी है थोड़ी बात रखनी है, जैसे भी रखो भाई। सबसे पहले मैं उन बच्चों का नाम बोलना चाहूँगा जो अपने शिक्षा में और खेल में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपना निक्की सनमश्री जय भगवान दादा, ये अपने यहाँ पे प्लस टू क्लास में, अपने गांव में ही सबसे ज्यादा नंबर लेके बहन के लिए जो इसके बाद उसमें कोई ऐसा बच्चा बैठे हो जो पढ़ाई में, गेम में और किसी चीज में ये अच्छा चल गया, ना ना ये बात ना 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 ना